हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब इन सारे ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करना एक ही वक्त में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास में एक मेथड है। हमने क्या करा, ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि आपको बहुत सारे पेजेस दे दिए जाएं, ठीक है, और उन पेजेस को आपने रफली, मतलब उन पर रिटर्न हो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन और आपने उन्हें ऐसे रफली रूम में भर दिया, बहुत सारे पेजेस को रफली रूम में भर दिया, ठीक है, और एक रूम में क्या करा आपने, उन्हीं पेपर्स को दूसरे रूम में एक ऑर्डरली आपने लगाया, ठीक है। तो किस में आसान होगा कि आपको इजीली जो भी आपको स्टडी करनी है किस में आप आसानी से निकाल सकते हैं, जाहिर है जिसमें कि आपने ऑर्डरली मैनर में लगाए होंगे उसी में से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने इतने सारे ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन होती क्या चीज़ है अब उसे देखते हैं हम। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्या करा हमने, ऑर्गेनिज़म्स को एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में हमने रखना स्टार्ट करा, बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किस चीज पर बेस्ड, उनके इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पे, ठीक है। अब इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कैसे, जैसे कि मान लीजिए गायें हैं, सारी गायें के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, तो उन सबको क्या बोला हमने कि एक स्पीसीज हो गई। गाय के कैरेक्टर कुत्ते के कैरेक्टर से अलग हैं, तो कुत्ते को सारे सारे जो कुत्ते थे डॉग्स थे उन्हें हमने क्या करा एक अलग कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, इंसान उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा। अब ये कैटेगरीज भी हमारी बदलती रहती हैं। कैसे बदलती रहती हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं एनिमल से। एनिमल के अंदर हम इंसान भी आते हैं, एनिमल के अंदर कुत्ते भी आते हैं, एनिमल के अंदर बिल्ली भी आती हैं, सारे एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। अब एनिमल को हमने अलग 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 कैटेगरीज में बांटा। एनिमल और प्लांट दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, एनिमल अलग हैं प्लांट अलग हैं। अब एनिमल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी हो गई, कुत्ता बिल्ली, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इनको हमने कैटेगरी का अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो टैक्सा क्या चीज़ होती है, टैक्सा क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस, एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन का एक समूह ग्रुप, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स सीन बाय टैक्सोनोमिस्ट टू फॉर्म आर यूनिट। मतलब ऑर्गेनिजम्स को टैक्सोनोमिस्ट ने क्या करा एक ग्रुप में रख दिया। कैसे, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये अपने आप में दो अलग अलग टैक्सोन हैं, ठीक है, ये किस में रखे हैं, ये अपने आप में दो अलग अलग टैक्सोन हैं। अब इन एनिमल में देखूं तो एनिमल में हमने एनिमल किंगडम को बांटा है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, और भी सारे हैं, ठीक है, बाद में इसमें बाद में आता है हमारा कोडेट्स, ठीक है, कोडेट्स में फिर हमने कोडेट्स में भी आगे इसे हमने डिवाइड करा है किसमें, पीसीज, ठीक है, उसके बाद में एम्फीबियाज, तो हम यहां पर देखना क्या चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं टैक्सा को। टैक्सा में क्या होगा, ये एनिमल भी अपने आप में एक टैक्सा है, पोरिफेरा भी टैक्सा है, पीसीज भी टैक्सा है, एम्फीबिया भी टैक्सा है, मतलब जितने भी ग्रुप्स बन जाते हैं आगे जाकर हम कैटेगरी करते मतलब अलग 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 छोटे छोटे ग्रुप, फिर उन सारे छोटे छोटे ग्रुप को मिलाकर बड़ा ग्रुप, तो चाहे बड़ा ग्रुप हो चाहे छोटा ग्रुप हो, ग्रुप है तो मतलब वो क्या है, एक टैक्सा है। अब टैक्सा जो है ये एक प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर हम बोलते हैं टैक्सोन। क्या बोलते हैं, सिंगुलर क्या है इसका वर्ड, टैक्सोन,
टैक्सोन, ठीक है। ज्यादातर आपको जहां पर भी एन दिख जाए ना, एन का मतलब सिंगुलर में हम ज्यादातर एन का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या चीज है? साइंस ऑफ डिफाइनिंग एंड नेमिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कितने कैरेक्टर को शेयर कर रहा है, कितने कैरेक्टर उससे मिल रहे हैं, कितने कैरेक्टर उससे नहीं मिल रहे, उसके आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को अलग 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 ग्रुप्स में बांटा और उनको अलग अलग नाम दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म जो दी थी वो दी थी किसने? एपी डी कैंडोल ने टर्म दी थी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनायस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी की जो स्टडी है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहर से कैसे दिख रहा है वो, अंदर से कैसा है, उसका स्ट्रक्चर को हम किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि उसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। डेवलपमेंट प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा वो डेवलप हो रहा है, किस तरीके की उसकी डेवलपमेंट है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पर उसकी ज़्यादा मात्रा है, मतलब इकोलॉजिकल उसकी स्टडी, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के लिए हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी जब हम करते हैं तो कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये? सबसे पहला हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे और फिर उसको उसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ये हमारे बेसिक प्रोसेसेस हैं टैक्सोनॉमी में। सिस्टमैटिक्स, आज हम सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक, द वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये वर्ड लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिस्टमैटिक सिस्टमा नेचुरे, ये एक बुक थी लिनस ने लिखी थी, ठीक है। उसके अंदर रूल्स थे कुछ। उसके बाद में हम देखेंगे स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स। स्कोप क्या क्या है सिस्टमैटिक्स के? सिस्टमैटिक्स के स्कोप है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, नोमेनक्लेचर उसका नामकरण करेंगे, और क्लासिफिकेशन उसे क्लासिफाई करके अपनी जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अरेंज कर देंगे। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स की खास बात यह है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवोल्व होकर क्या बना है, ठीक है, उसको भी अकाउंट में लेता है। मतलब पास्ट के ऑर्गेनिज्म और आज के ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी अकाउंट में लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी के स्कोप वगैरह सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे बहुत सारे स्टेप आते हैं। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा, ऑफिसों में देखा होगा आपने कि सबसे पहले एमडी, एमडी के बाद में सीईओ, फिर उसके बाद में आगे अगर मैं देखूं एक इंजीनियरिंग फील्ड में बात करूं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सारे मतलब एक लेवल बन जाता है। उसके बाद में नीचे सुपरवाइज़र, तो ये एक हायरार्की बन जाती है उनमें, कि भाई हर एक की एक लेवल दे दिया गया, हर एक को एक रैंक दे दी गई। ऐसे ही क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास में रैंक होती है, लेवल होते हैं उनको डिवीजन करने के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप जो है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक कैटेगरी। अब दिमाग में आता होगा एक कैटेगरी क्या चीज़ है? कैटेगरी कुछ भी नहीं है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। मतलब सिमिलैरिटी कैरेक्टर की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग तरह की, मतलब अलग अलग लेवल पर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मौजूद होती है। तो कैटेगरी क्या है? एक कुछ भी नहीं है, कैटेगरी एक तरीके से हम बोले तो ग्रुप ही है,
क्या है ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अब हाँ कॉमन कैटेगरीज, कॉमन कैटेगरीज जो हम पढ़ेंगे सारी जो पूरी क्लासिफिकेशन हमारी जितनी भी पूरी क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इन्हीं कॉमन कैटेगरीज पर, ठीक है। जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है हमारे पास में वो है किंगडम, फाइलम, डिवीजन। फाइलम जो यूज करते हैं हम, फाइलम वाली ये हम यूज करते हैं एनिमल किंगडम के लिए, एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज करते हैं और प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैंने आपको टैक्सोन, टैक्सा के बारे में पहले ही बता रखा है, तो अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो किंगडम है ये भी एक टैक्सोन है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, डिवीजन दोनों एक ही है। ये एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं फाइलम को, और डिवीजन को किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं। क्लास है, ये भी एक टैक्सोन, टैक्सा कुछ सिंगुलर बोलेंगे टैक्सोन और सबको मिलाकर टैक्सा बोलेंगे। ये ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, फैमिली भी एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है और स्पीसीज भी एक टैक्सोन है। तो सबसे छोटी मतलब लोएस्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी स्पीसीज, और सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है हमारी किंगडम। अब हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। जो ऑर्गेनिजम्स देखने में हम आमतौर पर देखने में हम कह सकते हैं कि एक जैसे दिखते हैं, उन्हें हमने स्पीसीज के अंदर डाला है। अब वो दिखने में मॉर्फोलॉजिकली भी दिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी से, अंदर से भी सेम से ही होते हैं। अब स्पीसीज की डेफिनेशन एक हमें हमारे पास में होनी चाहिए। स्पीसीज की डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड, करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो हमें दी थी अर्न्स्ट ने, ठीक है, जिनका कहना था कि स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कोई भी स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में क्रॉसिंग करके प्रोजिनी नहीं बना सकती, मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं और उनके पास में हैव डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं मेंजीफेरा इंडिका, हम पहले ही कर चुके हैं इसको, इसके बारे में मेंजीफेरा इंडिका ये किसका नाम है, मैंगो का। मेंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस और इंडिका रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर मैं बोलूं कि इसमें स्पीसीज का नाम क्या है तो ये पूरा का पूरा स्पीसीज का नाम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट और ये जीनस। ऐसे ही सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम ट्यूब्रोसम किसका नाम है, ये पोटैटो का नाम है। सोलेनम रिप्रेजेंट जीनस और ट्यूब्रोसम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। पूरी स्पीसीज का नाम, इस पूरी स्पीसीज का पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। पैंथेरा लियो लायन का, पैंथेरा रिप्रेजेंट जीनस, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, और पूरी की पूरी स्पीसीज का नाम पैंथेरा लियो। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूछ लेते हैं, ये लिख लिया यहाँ पर इन्होंने पैंथेरा लियो, इसमें बताओ कि स्पीसीज का नाम क्या है। बच्चे क्या करते हैं, ये जीनस का नाम हो गया, ये स्पीसीज का नाम हो गया, लेकिन ये गलत हो जाता है। स्पीसीज का नाम पूरा का पूरा स्पीसीज का नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट है ये, ठीक है, ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे जीनस के बारे में। जीनस, जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसके अंदर क्या आता है, काफी सारी रिलेटेड स्पीसीज का हमें ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उसको किसमें डालते हैं हम, एक अलग ग्रुप बनाकर उसको हमने नाम दिया जीनस, ठीक है। तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन। जो जिन स्पीसीज के आपस में जो कैरेक्टर्स कॉमन है उनका एक ग्रुप बनाकर हमने जीनस के अंदर डाला, ठीक है। इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, मतलब इनके जो कैरेक्टर होंगे अदर जेनरा की स्पीसीज के कंपैरिजन में ज्यादा कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, पोटैटो ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों को हमने डाला है किसके अंदर, सोलेनम के अंदर, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा प्लांट का एग्जाम्पल, अब एनिमल का एग्जाम्पल देखते हैं। लायन, लेपर्ड और टाइगर, इनको हमने कौन सी जीनस में डाला है, पैंथेरा के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली, फैमिली के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है हमें कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पे जाते चले जाएंगे, हमारे जो कैरेक्टर हैं
कॉमन कैरेक्टर्स वो कम होते चले जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी बोली है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जो रिलेटेड जेनेरा आपस में जेनेरा रिलेटेड हैं, कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनको हमने किस में डाल दिया, एक हायर कैटेगरी में डाला जो है फैमिली। इस फैमिली के अंदर कैरेक्टर कॉमन होंगे जेनेरा के, एक काफ़ी सारे जेनेरा के कैरेक्टर कॉमन करके एक फैमिली का ग्रुप बनाया, दूसरी फैमिली से वो कैरेक्टर अलग होंगे, ठीक है। इसके अंदर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी होंगी अगर हम कंपेयर करें किससे, जीनस से और स्पीसीज से। जीनस भी हमारा एक ग्रुप है, स्पीसीज भी हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ फैमिली में, फैमिली में हम जो रखेंगे उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज और जीनस के कंपैरिजन में कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ये जो हमने फैमिली को हमने ग्रुप बनाया है ये किस चीज़ के ऊपर बेसिस बेस्ड है, ये है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये मेनली प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सोलैनम और पेटूनिया और धतूरा। सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा, ये तीनों की तीनों क्या है, ये जीनस है, तीनों की तीनों जीनस, सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा। ये किसके अंदर पाई जाती है, इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, सोलनेशिये। ऐसे ही पेंथेरा, फैलिस और फैलेट, ठीक है। ये पेंथेरा और फैलिस किसके अंदर आती है, कौन सी फैमिली के अंदर आती है, फैलेट के अंदर आती है। ये बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि सोलेनम के अंदर जितनी भी स्पीसीज होंगी, ठीक है, और सोलनेशिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज होंगी, अगर मैं देखूंगा कि कौन किस में ज़्यादा मिलती जुलती स्पीसीज होंगी, तो इसके अंदर जो आपस में जो स्पीसीज के बीच में जो कैरेक्टर होंगे वो ज़्यादा मिलते जुलते होंगे कंपेरिजन टू इसके कंपेरिजन में, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ये हमारा और मैंने बताया था पहले आपको, जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी के अंदर जाते जाएंगे हमारे जो कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम होते चले जाएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कॉनवोलेशियाई, सोलनेशिये, ये किसके अंदर आता है, पॉलीमोनियल्स। ये पॉलीमोनियल्स क्या है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। फैलिन और कैनिड किसके अंदर आते हैं, कार्निवोरा के अंदर, ठीक है। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर, और फैलिन और कैनिड क्या है, ये है हमारा फैमिली। फैलिड के अंदर कैट्स आती हैं और कैनिड के अंदर डॉग्स आते हैं। कॉनवोलेशिये, शकरगंदी, आप सब जानते होंगे, ठीक है।